जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। यह कंप्यूटर नेटवर्क का पहला वीडियो है। यह आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर नेटवर्क है क्या। तो हम आसान शब्दों में कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं किसी उद्देश्य को लेकर, जिसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। अब यह कम्युनिकेशन मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है या सांकेतिक भी हो सकता है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। तो कहता क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, नहीं कंप्यूटर नेटवर्क का परिचय। तो चलिए देखते हैं कि इसका परिचय क्या है। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, कहता है कि दिस डे प्रैक्टिकली एवरी बिजनेस, ठीक, इन दिनों व्यवहारिक रूप से हर व्यवसाय क्या कहता है कि नो मैटर, यानी मायने नहीं रखता है हाउ स्मॉल यूजेज कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का कितना कम यूज है, कितना छोटा, किस चीज़ के लिए, तो टू हैंडल वेरियस ट्रांजेक्शन एंड बिजनेस ग्रो, यानी अपने ट्रांजेक्शन के लिए, यानी किसी चीज़ का लेन देन के लिए या फिर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। दे ऑप्टेन नीड सेवरल पीपल टू इनपुट एंड प्रोसेस डाटा सिम्यूटेशनली एंड इन ऑर्डर टू अचीव दिस। द अर्लियर मॉडल ऑफ ए सिंगल कंप्यूटर सर्विंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटेशनल नीड्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए मॉडल इन विच ए नंबर ऑफ सेपरेट बट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर डू द जॉब एंड दिस मॉडल इज नोन एज कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कहता है कि दे ऑप्टेन, यानी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए हम क्या करते थे, कंप्यूटर का उपयोग किए, लेकिन जो जो व्यवसाय बढ़ते जा रहा है, व्यवसाय बढ़ रहा है, हमारा व्यवसाय जो है वो क्या कर रहा है, ग्रो हो रहा है, तो बाद में हमें क्या, अब किस चीज़ का आवश्यकता पड़ा, तो कुछ लोगों का ज़रूरत पड़ रहा, किस चीज़ के लिए, उस काम को अचीव करने के लिए, पूरा करने के लिए। कहता है कि अर्लियर मॉडल ऑफ सिंगल कंप्यूटर जो था, यानी सिर्फ एक कंप्यूटर पर जो काम होता था, उसको क्या करने लगा, सर्विंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटेशनल नीड्स हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय मॉडल, ठीक, उसे एक मॉडल में रिप्लेस कर दिया, इन विच नंबर ऑफ सेपरेट बट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर जो था अलग अलग था, नंबर सब कंप्यूटर था, 2, 3, 4, 5, 10 कंप्यूटर था, लेकिन क्या था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, इंटरकनेक्टेड था, और इस मॉडल को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। बाय लिंकिंग इंडिविजुअल कंप्यूटर्स ओवर ए नेटवर्क देयर प्रोडक्टिविटी हैज बीन इंक्रीज इनॉर्मसली। अब क्या कहता है कि बाय लिंकिंग, यानी जब लिंक कर दिए किसको, इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को, यानी अलग अलग कंप्यूटर को, ओवर ए नेटवर्क, यानी नेटवर्क के द्वारा, देयर प्रोडक्टिविटी, इसका उत्पाद जो हो गया उसमें क्या हुआ, हैज बीन इंक्रीज इनॉर्मसली, ठीक, भारी वृद्धि हुई। यानी जब हम इंडिविजुअल कंप्यूटर्स को, अलग अलग कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ दिए नेटवर्क के माध्यम से, तो उसका उत्पादक क्षमता जो होगा हुआ वो क्या हो गया, बढ़ गया, उसमें वृद्धि हुई। कहता है मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जनरल कंप्यूटर्स नेटवर्क दैट डाटा कैन इंटर और लीव एट एनी पॉइंट्स कैन बी प्रोसेस्ड एट एनी वर्क स्टेशन। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए एक हमारा सर्वर है, हमारा सीपीयू है, उससे क्या होता है, अनेकों कंप्यूटर जुड़ा हुआ होता है, 2 कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, 3 कंप्यूटर, 4 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, और हर एक कंप्यूटर पर जहां हम काम कर रहे हैं वहां सब जगह से क्या कर सकता है, किसी भी डाटा को लीव कर सकता है, कहीं से भी डाटा को दे सकता है या डाटा को प्रोसेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में कहता है, प्रिंटर कैन बी कंट्रोल फ्रॉम वर्ड प्रोसेसर एट एनी कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। जैसे हमारा प्रिंटर है, जैसे आपके स्कूल में या आप जहाँ कंप्यूटर सीखने के लिए जा रहे हैं वहाँ देखते होंगे क्या कि प्रिंटर अगर है तो क्या है, एक कंप्यूटर से
सीपीयू से जुड़ा हुआ है और उस सीपीयू से 2, 3, 4, 5 कंप्यूटर हमारा जुड़ा हुआ है। तो हम अपने वर्ड प्रोसेसर से यानी जिस कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं उस कंप्यूटर से हम उस प्रिंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज इंट्रोडक्टरी यूनिट वेयर यू विल लर्निंग अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित बेसिक जानकारी सीखेंगे हम। हेयर यू विल लर्न अबाउट नेटवर्क्स, यहाँ हम नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, देयर एप्लीकेशंस उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, OSI रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे मॉडल और TCP/IP रेफरेंस मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो एग्जामिन सम ऑफ द पॉपुलर कंप्यूटर्स नेटवर्क लाइक नोवेल नेटवर्क अर्पनेट इंटरनेट एंड ATMs, यानी इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तृत रूप से। और अगले वीडियो से हम हर वीडियो में क्वेश्चन भी देंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। कहते हैं आफ्टर गोइंग थ्रू दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू, यानी जब यह पूरा यूनिट हम पढ़ चुके होंगे, जब पढ़ लेंगे तो हम किस चीज़ के लिए सामर्थ हो सकते हैं, किस किस चीज़ को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला कहता है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं। दूसरा कहता है कि डिफरेंटिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के बीच हम अंतर बता पाएंगे। तीसरा है अंडरस्टैंड द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स के अलग अलग एप्लीकेशन को हम समझ सकते हैं। कंपेयर द डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क टोपोलॉजी को हम समझ सकते हैं, जैसे कि बहुत कोई जानते होंगे बस टोपोलॉजी होता है, स्टार टोपोलॉजी होता है, रिंग टोपोलॉजी होता है, तो सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। सिग्निफाई द इम्पोर्टेंसी ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, नेटवर्क प्रोटोकॉल के को भी हम महत्व को सिग्निफाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। नाउ द इम्पोर्टेंसी ऑफ यूजिंग नेटवर्क सिस्टम, यानी नेटवर्क सिस्टम का क्या इम्पोर्टेंसी है, क्या महत्व है इसके उपयोग का, वो भी हम समझेंगे। अंडरस्टैंड द लेयर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग OSI एंड TCP/IP रेफरेंस मॉडल। हैव ए ब्रॉड आइडिया अबाउट सम ऑफ द पॉपुलर नेटवर्क्स लाइक नोवेल नेटवर्क अर्पनेट इंटरनेट ATM ETC एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिलेज, ठीक, और डिलेज के कॉन्सेप्ट को भी हम पढ़ेंगे।